यहाँ पे आधार कार्ड पे सरकार दे रही है पूरे 10 लाख का लोन, आप खुद दे सकते हो। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP योजना के तहत आधार कार्ड पे, जी आधार कार्ड पे, सिर्फ आधार कार्ड पे सरकार दे रही है 10 लाख का लोन। दोस्तों यहाँ पे आपको सबने पैसा देने से मना कर दिया, चाहे कोई कंपनी हो गई, बैंक हो गई, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, NBFC, लोन एप्स, सब जगह ट्राई मान लिया, लेकिन आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आधार कार्ड पे आप जो है 10 लाख तक का लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी सरकार द्वारा। सरकार आपको दे रही है 10 लाख का लोन, 25 लाख तक का भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, अप्लाई करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन जाके। कैसे अप्लाई करना है यही आपको बताने वाला हूं। इस लोन के इतने बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहली बात तो सिर्फ आधार कार्ड पे मिल रहा है, और पैन कार्ड ये ऑप्शनल है, दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे 35% की सब्सिडी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मान लो अगर आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने उसको अच्छे से जमा कर दिया, तो आप उसका 35% निकाल लो, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा जब आप लोन का पूरा रिपेमेंट कर दोगे। मतलब 10 लाख का लोन लिया और आपने पूरा चुका दिया, तो 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में सरकार डाल देती है कि भैया आपने जो है समय से रिपेमेंट कर दिया है, तो हम आपको इतनी अब सब्सिडी दे रहे हैं 1.5 लाख की, आप ये पकड़ो। मतलब कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, आपके जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है, बहुत ही कम ब्याज पे। ब्याज आपको देना है लेकिन बहुत ही कम देना, तो जो कम ब्याज लग भी रहा है ना, वो आपको सरकार 1.5 लाख रुपया दे देगी। मतलब सब्सिडी जो दे रही है वो उसमें एक मान के चलो वो माइनस हो गया, तो आपको जितना पैसा मिला उतना ही वापस करना पड़ा। उतने में आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी धंधा चालू कर सकते हो। 15 साल तक के लिए आपको लोन मिल जाता है दोस्तों, बहुत बेनिफिट है आपको, मतलब हद से फायदा ही फायदा है, सरकार लोन दे रही है। तो अब आपको किसी भी बैंक, NBFC, लोन ऐप के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड कोई अनिवार्य नहीं है, है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सारा काम आधार कार्ड का है, आधार कार्ड पे आपको लोन मिलेगा। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कैसे आपको अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी @vinay_LLV0। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक भी दे रहा हूं, मैं लिंक इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको वहां पे और भी लोन संबंधी जानकारी मिल सके, ठीक है। लोन लेना चाहते हो तो वहां पे जानकारी मिलती रहती है, और भी बहुत सारी जानकारी है, आप लोन ले सकते हो, चुकाना नहीं पड़ेगा, ऐसी भी जानकारी हम देते हैं, ऐसे कौन से लोन से, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, बहुत जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे आईडी भी लिख के आ रही होगी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस सरकारी लोन के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप सरकार द्वारा दिए जा रहे लोन को ले सकते हो, उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूगल पे आपको डालना है जनसामर, ठीक है, आपके सामने पहले ही वेबसाइट निकल के आ जाएगा, इसी से आपको अप्लाई करना होगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं, लेकिन आपको मैं क्लिक कर दूं दोस्तों, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां पे आप डायरेक्ट क्लिक करके भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों यहाँ पे मैं जनसामर पे क्लिक करता हूँ, वेबसाइट ओपन होगी, ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जहां पे लिखा होगा काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट्स। दोस्तों यहां पे मैं इसको हिंदी में कर लेता हूं, यहां पे आप इस वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में चुन सकते हैं, गुजराती, मराठी, ठीक है, तो मैं हिंदी में कर लेता हूं, जो भी आपको सुटेबल लैंग्वेज उसमें कर लीजिएगा। आवेदक कृपया ध्यान दें, जनसम्मत पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं करता है, मतलब कि यहाँ पे ये किसी प्रकार का पैसा नहीं मांगता है जनसम्मत पोर्टल जो है, यहाँ पे आपसे कोई मैसेज, कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी प्रकार से पैसे मांगता है कि हम आपका लोन करा देंगे, पैसे दे दो, बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। कोई भी पैसा आपको नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका लोन अप्रूव होगा जनसमर्थ के नाम पे, बोले आपका लोन आपका अप्रूव हो जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे, आपको लोन मिल जाएगा, बैंक खाते में आ जाएगा, आधार दे दो, पैन दे दो, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहीं से अप्लाई करना है, साफ साफ उन्होंने पहले दे दिया है। किसी फ्रॉड के शिकार होते हैं उसको जिम्मेदार आप खुद होंगे, यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा किसी भी अन्य QR कोड को स्कैन ना करें, किसी अन्य लिंक को इस्तेमाल ना करें, किसी लिंक को इस्तेमाल ना करें, ठीक है, किसी को भुगतान ऐसे ना कर दे, सोच समझ के भुगतान करें, जो कुछ करना है, मतलब ऐसा किसी को पैसे ना दे दें, ठीक है ना, बहकावे में किसी के ना आए। चलिए हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी, जहाँ पे ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है जनसामर्थ क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। दोस्तों यहाँ पे सरकार 5 तरह के लोन प्रोवाइड कर रही है, हमारे मोदी जी का फोटो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, मोदी जी द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा ये जो है लोन दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लोन दिया जा रहा है, शिक्षा ऋण, मतलब एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उस पर
भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। एक्सीडेंट किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे किसानों से संबंधित जो है लोन दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना उससे संबंधित है। कृषि आधारित संरचना ऋण, मतलब ये भी किसान से संबंधित है। व्यवसायिक गतिविधि ऋण, उसके बाद आता है आजीविका ऋण। दोस्तों यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, मतलब आपको यहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सरकार लोन दे रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें, मतलब एलिजिबिलिटी चेक करनी है आपको अपनी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब करोगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। आप किस पे लोन लेना चाहते हैं, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आप हथकरघा बुनकर के लिए ऋण लेना चाहते हैं, मैनुअल सफाई कर्मियां, सड़क विक्रेता, फेरी वाले हैं, मतलब आप इनमें से क्या हैं। अगर आप इसके अलावा कोई अन्य बिजनेस है आपका, उसके लिए लोन लेना चाहते हो, आप ये हथकरघा बुनकर मतलब जो हाथों से कुछ बीनते बांधते हो उसके लिए, या आप कोई सफाई कर्मी वगैरह हैं उसके लिए, या फिर आप कोई सड़क विक्रेता है, फेरी वाले हैं, ठीक है ना, मतलब ठेला ठेपाड़ी वाले हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, आप वो काम करते हैं, या आप अन्य काम के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अन्य व्यावसायिक लोन पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऑप्शन गलत कर दिया तो आपको यहाँ पे लोन नहीं मिल पाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे लिखा है आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। आप मतलब कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या आपका कोई मौजूदा है, अगर मौजूदा है तो मौजूदा पे क्लिक कर देंगे, तो उसके लिए आपको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नए पे क्लिक कर देंगे। क्या आपने आठवीं पास कर ली है, क्या आप आठवीं पास हैं, अगर हाँ वैसे ज्यादा तो होंगे ही, ठीक है, अगर हैं तो वहां पे, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, मतलब यहाँ पे आपने सरकार द्वारा कोई ट्रेनिंग ली है, सरकार से कोई ट्रेनिंग मिली, क्योंकि सरकार छोटे छोटे कैंप चलाती रहती है, छोटे छोटे इस तरह की ट्रेनिंग, छोटे छोटे बिजनेस की जो ट्रेनिंग वो देती रहती है, ठीक है ना। क्या आपने ऐसी कोई ट्रेनिंग ली है, अगर ली है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, आप क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, मतलब किसी चीज को बनाते हैं, या किसी चीज को बेचते हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं, या शेयर मार्केट करते हैं, समझ रहे ना। तो अगर आप उत्पादन करते हैं, जैसे आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो उस पर उत्पादन पे क्लिक कर देंगे, या आप चीज कोई लेके आ रहे हो उसको बेच रहे हो, तो व्यावसायिक सेवा पे क्लिक कर देंगे। ज्यादातर जो है व्यावसायिक सेवा है, लोग चीजों को लेके आते हैं बाहर से और उसको बेचते हैं, ठीक है, तो ये काम करते हैं। अगर आप बनाते हैं तो उत्पादन पे क्लिक कर देंगे। अपना लिंग चुने, आप पुरुष हैं, महिलाएं, पुरुष पे क्लिक कर देंगे, हम भैया पुरुष हैं, ठीक है। आप सामाजिक श्रेणी चुने, आप जो कौन है, जनरल आदमी है, अनपिछड़ा वर्ग है, SC ST है, अल्पसंख्यक है, हम अनपिछड़ा वर्ग में आते हैं, हम उस पर क्लिक कर देंगे। आप जनरल में आते हैं, जनरल पे क्लिक कर दीजिएगा। आप चाहे इसको इंग्लिश में कर लीजिएगा, अगर हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप भूतपूर्व सैनिक है या आप विकलांग है, आप इनमें से कुछ है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। आप क्या इन क्षेत्रों से आते हैं, क्या पूर्व क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में स्थित है, क्या आप ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, अगर आते हैं जो इनमें लिखा हुआ है तो हाँ, अगर नहीं आते हैं तो नहीं। भैया मैं तो यूपी का हूँ, इनमें यूपी का नाम ही नहीं दिया तो मैं नहीं पे क्लिक कर दूंगा। अपना स्थान चुने, आप शहर से ही ग्रामीण से हैं, तो भैया हम तो हैं थोड़े ग्रामीण क्षेत्र से, हम तो ग्रामीण पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि आवेदक लाभार्थी प्रकार का चयन करें, मतलब आप खुद का पर्सनल लोन ले रहे हैं या आपके साथ कोई और भी पार्टनरशिप में कोई है। खुद का इंडिविजुअल है तो आप व्यक्तिगत यानी व्यक्ति पे क्लिक कर देंगे, आप खुद लोन ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लेके आ रही है अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं इस चीज को समझने की जरूरत है, अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कितनी लागत आ रही है। जैसे मैं बता दूं, इसमें आ रही है 10 लाख की लागत आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 10 लाख की लागत आ रही है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 10 लाख की लागत आ रही है, अच्छी बात है, आप जो है 10 लाख का लोन दे देंगे, लेकिन ये बताओ खुद भी तो कोई पैसा लगाओ, खुद की जेब में तो कुछ तो दम होगा, नहीं होगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ तो होगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भैया हाँ 10 लाख का मेरा इसमें निवेश हो रहा है, 10 लाख की इसमें कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, आपके पास कितना पैसा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 लाख, ठीक है, मैं डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए नीचे लिख के आ रहा है आवश्यक ऋण राशि, मतलब 9 लाख का हमें यहाँ लोन की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है उसमें 10 लाख की कॉस्ट आ रही है, 10 लाख रुपए लग रहे हैं, 1 लाख मेरे पास है ही, ठीक है। यहाँ पे खुद का भी थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, तभी आपको लोन मिलेगा। तो जितना आप ज्यादा रकम लगा लेंगे उतना आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये एक बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, ऐसा भी होता है, ये तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो 10 लाख का लोन था, 1 लाख मेरे पास है ही, बचे 9 लाख, तो यहाँ पे आवश्यक ऋण राशि मतलब 9 लाख की मुझे यहाँ पे 9 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, पात्रता की गणना करें, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, यहाँ पे देखिए 9 लाख का लोन है, मुझे 5 साल के लिए मिल जाएगा, मेरी जो मासिक किस्त होगी 19,120 रुपए होगी,
इसको मैं ले सकता हूं। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ गया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP करके, ठीक है, जहां पे मुझे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये देखिए 9 लाख का लोन मुझे मिल रहा है और साथ में 2.5 लाख की सब्सिडी भी मिल रही है। आप ये देखिए सबसे बड़ी बात, 9,130 की EMI बनेगी, 15 साल तक मुझे चुकाना है। दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको सब्सिडी ज्यादा मिलेगी, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको सब्सिडी कम मिलेगी। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मेरा जन्म और मेरा जो एड्रेस है सब कुछ ग्रामीण क्षेत्र का है, वहीं का सब कुछ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 9 लाख का लोन मुझे मिला और 2.5 लाख रुपए सरकार ने मुझे और दी, मुझे 2.5 लाख का फायदा हो गया, 2.5 लाख रुपए सरकार ने मुझे पूरे दे दिए। ये आप रखो, हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, मतलब 2.5 लाख हमें मिल जाएंगे, 9 लाख का लोन है पूरा चुका देंगे उसके बाद। ऐसा नहीं है कि पहले ही ना, पहले नहीं, 9 लाख का लोन पहले आप जो लोगे उसको पूरा चुका दोगे, उसके बाद आपको जो सब्सिडी दिखा रहा है 2.5 लाख वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा जो भी आप अपने अकाउंट नंबर दोगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये दूसरी वाली योजना है ये हमको पसंद आ रही है, ये हमको समझ में आ रही है। जो पहली वाली योजना है ये बेकार है, 5 साल के लिए मिल रहा है, वो भी पूरी EMI देनी है, कोई सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, तो इसमें हमको सब्सिडी मिल रही है। दूसरी वाली योजना को हम लेंगे जिसका नाम है PMEGP, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है आवेदन करने के लिए लॉगिन कर, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से जो है आपको लॉगिन करना होगा। चलिए अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया, नीचे यहाँ पे जो टिक बन के आ रहा है टर्म ऑफ कंडीशन का, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए अब आपके सामने यहाँ पे कुछ टर्म ऑफ कंडीशन लिख के आएंगे। यहाँ पे आपको पूरा इस तरह से पढ़ना होगा, ऐसे आप जब नीचे कर लेंगे तो अगला करेंगे ना नेक्स्ट कर देंगे, फिर आपको पूरा इस तरह से पढ़ना होगा। देखिए नियम शर्तें हमने अब यहाँ पे पूरी पढ़ ली है, अब हम यहाँ पे अगले पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से फिर आपको यहाँ पे टिक मार के सहमत पे, सहमत यानी कि आप मतलब एकदम राजी है, सहमत है आप, इस कंफर्म है, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, सहमत पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम OTP प्राप्त करें पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे नंबर पे OTP आएगा, देखिए हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, OTP यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे आप अपना email ID भी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो स्किप करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो हम स्किप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपके सामने फिर से वही पेज खुल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे PMEGP के लिए हमने अप्लाई किया है, 2.5 लाख की सब्सिडी मिल रही है, 15 साल के लिए लोन मिल रहा है, पूरे 9 लाख का लोन हमें मिल रहा है क्योंकि 1 लाख हमारे पास है, 10 लाख की हमारे पूरे बिजनेस की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप चाहे इसको एडिट भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अब हमने जो भी अभी डिटेल्स भरी थी वो यहाँ पे हमारे सामने सब लिख के आ जाएंगे। हमने अन्य व्यवसाय चुना था, हमें कोई किसी और बिजनेस के लिए लोन चाहिए। देखिए आपने 8 पास कर लिए, क्या आप ETP परीक्षण लिया नहीं है, आवेदक व्यवसाय क्या है, व्यवसायिक सेवा है, आप पुरुष हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है हमारा, ये सब डिटेल जो अभी हमने भरी थी सब लिख के आ जाएगी। हमारे बिजनेस में 10 लाख की लागत आ रही है, यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख के आ गए। अगर सब कुछ ठीक है तो आप जारी रखें, आगे बढ़े कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं अगर इसमें कुछ बदलाव, अगर इसमें आप कुछ बदलना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यह सब कुछ ठीक है तो हम जारी रखें पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जहां पे लिख के आ रहा है कि प्लीज नोट यू विल बी रिडायरेक्ट www.kvionline.gov.in। ये ऑफिशियली वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहां पे हमें सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। सीधे अब हमें उसी वेबसाइट पे आएंगे तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, वेबसाइट अपने आप, देखिए हमारे पास मैसेज भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल PMG जन समर्थ करके यहाँ पे लिख के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम काट देंगे, देखिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट खुल के आएगी तो आपको नीचे आना, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा जो बहुत ही जरूरी है, उसको समझ लीजिए। इस फॉर्म को मैं भर के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, अपनी जो भी आपकी निजी जानकारी वो डालनी है, जैसे कि आपको अपना आधार नंबर डालना है, देखिए आपको अपना आधार नंबर डालना है, अगर वो नहीं है तो EID होगा वो डाल सकते हैं 24 अंकों का। आपको अपना नाम डालना है, आपकी स्टेट क्या है, आपका जिला क्या है, आपका लीगल टाइप क्या है, आपका लिंक क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जो है तहसील क्या है, पिन कोड क्या है, आपकी जो है तालुका क्या है, ब्लॉक क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पैन नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, पैन नंबर है तो डाल दिए, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एड्रेस क्या है सब कुछ डालना पड़ेगा, ये सब कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आपको डालनी पड़ेगी। देखिए अब एक खास बात, IFSC कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस, यहाँ पे आप बैंक चुन सकते हैं कौन सी बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है, ठीक है, उसी बैंक में पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सब कुछ डिटेल्स जो निजी डिटेल्स हैं, प्राइवेट डिटेल्स है, वो आपको डालनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे आप जब डाल देंगे तो आप नीचे सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटा
सेव हो जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। अगर ये फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने एक हिंट भी दिया है कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आधार नंबर 12 नंबर का होता है, लिखा हुआ आधार नंबर, आवेदक को 12 अंकों का आधार नंबर भरना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। जिस ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही उसी के सामने यहाँ पे उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको कैसे क्या करना है सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसको आप खुद से भर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको भर के दिखाएं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस फॉर्म को पूरा आप कंप्लीट करके भेज देंगे, और जब भेज देंगे तो सरकार के लोग जो हैं, अधिकारी लोग हैं, वहां से आपको संपर्क करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या बिजनेस है, डिटेल्स जो भी है, जो जरूरी डिटेल्स है आपसे पूछी जाएंगी, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, 1 लाख आपके पास है, 9 लाख का लोन आपको मिल जाएगा। जब आप उसको चुका दोगे तो 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे कि भैया आपको 2.5 लाख रुपए हम वापस कर दे रहे हैं, मतलब आपको 2.5 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। सरकार आपको अपनी तरफ से दे देगी, ऐसी आपको अपने पास रखने, वो आपको चुकाने नहीं है, वो सब्सिडी है। जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी आती थी ना कि 1000 का सिलेंडर लिया ठीक है और 300 रुपए अकाउंट में आ गया, मतलब 700 का पड़ा, इस तरह से है, मतलब 6.5 लाख रुपए ही आपको उससे भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज भी कम लग रहा है और यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, इससे बढ़िया और बात क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ये जो एप्स होती है ना, मनी व्यू, ट्रू बैलेंस, या कहते हैं 5 हो गई, क्रेडिट भी हो गई, एम पॉकेट हो गई, ये बहुत अगर दिखाती ना तो अब यहाँ से घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड पे 10 लाख का लोन ले सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कम भी ले सकते हो, 1 लाख का भी ले लो, 25 लाख का ले लो, ज्यादा भी ले लो, कम ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया कि 10 लाख का लोन लेना है या 5 लाख का लेना, तो इस तरह से आप ले सकते हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र से तो आपको सब्सिडी ज्यादा मिलेगी, शहरी क्षेत्र से हो तो आपको सब्सिडी कम मिलेगी। अगर आप शहरी क्षेत्र से होते तो आपको उसमें केवल 1.5 लाख की सब्सिडी मिलती ठीक है। अगर शहरी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं ना, तो मुझे यहाँ पे 2.5 लाख की सब्सिडी मिली, यानी कि मुझे और ज्यादा सब्सिडी मिल गई। तो यहाँ से आप घर बैठे लोन ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप घर बैठे आधार कार्ड पे लोन ले सकते हो। सरकार की इस योजना को आप जरूर इस्तेमाल करें, जरूर इसमें अप्लाई करें घर बैठे। अगर आप खाली बैठे कोई नया काम, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से 10 लाख का लोन या 5 लाख का, जो भी आपको सुटेबल हो, यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे सिविल का कोई मैटर नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ सरकार घर बैठे लोन प्रोवाइड कर देगी ठीक है। तो उम्मीद है पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी प्रकार के लोन की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मुझे व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम करें, हम उसे प्रॉपर वीडियो बना के देंगे, आपको प्रॉपर जानकारी देंगे ताकि लोन मिल सके और आपका फायदा हो सके ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी। तो जाने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।